राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावल्लभ श्रीहरिवल्लभ श्री श्री जीवं राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रे मां रतैकमकरन्द रसोघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापय परम शीतल माश्रयामि परम शीतल Radha 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 no. राधा राधा रा चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन वृंदावन धाम वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर श्री लाल की अहेतुकी कृपा से ये मानव जन शतमार्ग में चलकर सत्य वस्तु का बोध करने का अवसर मिला है श्वासें बहुत कम है काल प्रतिपल निशाने पे लिए हुए हैं, अपने को पता नहीं है जैसे नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश किया कि हिरन कई हिरनियों के संग और अपने बच्चों को साथ लिए हुए हरी हरी घास चल रहा है बड़ा हर्षित है बड़े सुख का अनुभव कर रहा है पर उसे ये नहीं पता कि शिकारी पूरे परिवार पर निशाना लगाए हुए खड़ा है ऐसे ही हमारी दशा है काल रूपी शिकारी कहीं भी हमें छोड़ेगा नहीं हमें इस बात का पता ही नहीं है अगर कहीं सुनने को भी मिलता है तो यह हमारी स्मृति में ही नहीं आता कि हमें यहां से जाना है और देख रहे कि जाना है मान भी रहे कि जाना है ये भी समझ रहे हैं कि यहां से कुछ नहीं ले जाना है फिर भी सावधान नहीं कैसी अज्ञानता है खुद जान रहे कुछ नहीं जाना तो जो वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिली है सत्संग मिला है समय मिला है जितनी श्वासें हम श्री प्यारी जू और प्यारेजू के चरणों का आश्रय लेकर उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए उन्हीं के भाव में समय व्यतीत करें सर्वात्युत्तम धाम तमो भात्यानंद साम्राज्य भृद वृंदारण्य मिहैव भाति सकलास चर्यम किशोर द्वयम् महासुभाव ललिता दयाली निदेशनुस्फुरन रसमय चेष्टे तस्मी नम धाम वृंदावन महामहिम जितने भी धाम हैं और धामी हैं इन्हीं से प्रकट है जितने भी धाम सबका मूल वृंदावन धाम है ऐसा रसिक महापुरुषों ने जो सखिया श्री जी की अंग सेवा में निरंतर तन्मय है तत्पर हैं वो अवतार लेकर के इस महिमा को प्रकाशित किया जितने भी धाम हैं सबका मूल सी धाम वृंदावन सर्वात धाम अत्युपरि सबसे महान वृंदावन धाम क्योंकि इसी से सब धामों का प्रादुर्भाव हुआ और निकुंज बिहारी महाराज इन्हीं से सब धामियों का प्रादुर्भाव हुआ ऐसा सहचरियों ने वर्णन किया है जो नित्य सेवा परायण प्रिया प्रीतम के हैं भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने कहा कि सब अंश कला अवतार इन्हीं से प्रकट होते हैं ये स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री चंद्र जो सब अवतारों के अवतारी हैं हरिराम व्यास जी ने भी कहा है। सब अवतारन को अवतारी हमारे हृदय में इस बात का महत्व हो जाए इसलिए वर्णन कर रहे हैं नहीं पूर्ण कांश पूर्ण ही होता है कोई कम नहीं होता है जितने धाम है सब समान महिमा वाले हैं जितने अवतार हैं सब समान महिमा वाले हैं जितने नाम हैं सब समान महिमा वाले हैं क्योंकि उसी परम तत्व के धाम नाम रूप लीला है श्रीपाद कह रहे हैं अरुण तल मुपरि गौरम मधुरैर लसितईर हरेर चौरम ये धाम वृंदावन की ऐसी क्यों महिमा है सर्वात्यधिक जो महिमा का वर्णन है वो क्यों है तो कह रहे हैं अरुण तल मुपरी गौरम जिनके श्रीचरणों के तलवे अत्यंत अरुण और सुकुमार हैं वो ऊपरी भाग अत्यंत गौर है मधुरैर लसितैर हरेर मनस चौरम इतने सुंदर चरण हैं सी प्यारी जो के कि हरि के मन को चुरा लेने वाले हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो एक पद में वर्णन करते हैं ब्रजनोतरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा जु बने में पद जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी नव नव बिलो विभाम भाम इभ विहरत वर करनी श्यामाजु बनी श्यामाजू के शिशु कोमल महामहिम चरणारविंद जहां पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है लाल जो अपने हृदय को बिछा रहे हैं प्रीतम उर अवनी उर माने हृदय अवनी माने भूमि प्रीतम का हृदय ही भूमि बन जाता है ध्रुदास जी ने भी श्यामा जू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी नंद सुत मन कारी विरह सागर तरन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण धन धन राधिका के चरण प्यारी जू के जो चरणार बिंद हैं ये मधुरैल लसितैल हरेर चौरम ये समझ में नहीं आएगा ये सखियां कृपा करे तब समझ में आएगा भगवान जब अवतार लेते हैं अवतार लीला प्रकाशित करते हैं तो उनकी आद्या शक्ति उनके साथ होती है जैसे द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश विराजमान है तो उनकी आद्याशक्ति महामहिम श्री रुक्मिणी जी और जितनी शक्तियाँ हैं वो सब चरण सेवा में उपस्थित हैं, कोई पटरानी बनकर कोई रानी बनकर ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं ये कोई स्त्री नहीं है ये भगवान की स्वरूप भूता दिव्य शक्तियाँ हैं भगवत स्वरूप है सत्य भामा जी साक्षात भूमि स्वरूप जाम्बती जी अंबास्वरूपा ये दिव्य शक्तियां हैं जहां जहां भगवान तो लेकिन ये प्रेम देश है वृंदावन महालक्ष्मी भी जिनकी दासियों के सौंदर्य को देख करके हतप्रभ हो जाती है आश्चर्यचकित हो जाती है यहां तक कि शुद्ध भूल जाती है अर्थात मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाती है ये क्या है महारानी जू किसकी सामर्थ्य की वर्णन कर सके जो आद्याशक्ति है वो तो जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं जैसे मनुष्य रूपा से भगवान सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जू कह रहे हैं आदिशक्ति जे ही जग उपजाया शो अवतरी मोर यह माया मैं अकेले नहीं आ रहा हूं आपके यहां मैं आऊंगा तो आद्याशक्ति जिसने समस्त सृष्टि का उत्पादन किया है वो भी आ रही है वर्णन किया कि जो प्रियाजू है ये लालजू के हृदय का प्रेम है यहां शक्ति और शक्तिमान का परिचय नहीं कि श्री कृष्ण शक्तिमान है और प्रियाजू उनकी शक्ति हैं जो बाहरी हैं वो ऐसा ही अनुभव करते हैं पर जो वृंदावन रजोप सेवी प्रेमी महानुभाव हैं जिन्होंने अनुभव किया सदैव देखा गया है शक्तिमान के अधीन शक्ति रहती है रिया उल्टा है जाके अधीन सदाई सामरो या ब्रज को शिरता सदैव देखा गया है शक्तिमान की शक्ति चरण सेवा करते हुए सदै देखा गया है कहीं हुई आप देख लीजिए यहां अरुण तल मुपरी गौरम मधुरैर लसितईर हरेर हरि के मन को चुराए हुए हैं श्रीजी के ललित महामाधुरी रस प्रदान करने वाले चरणारविंद जावक चित्र बनाई समारत करण सफलतम तब एकांत कुंज में जो कंचन के वरण श्री जू के श्री चरण है अपनी हथेली पर पीताम्बर रखकर फिर श्री चरणों का ऐसे दर्शन करते हैं ये नहीं कि किसी संप्रदायवाद की चर्चा है इस श्री जी के चरणों की महिमा है नंददास पुष्ट जी पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जी महाराज वो कह रहे हैं केवल दर्शन से ही तृप्ति नहीं होती कबहु कर गई नयन लावत और कबहु छुआवत भाल नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के प्रतिपाल चापत चरण रसखान जी महाराज देखा सेवा कुंज में जू के चरण चाप रहे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जू कोई स्त्री नहीं कोई देवी आद्य शक्ति नहीं इन्हीं के अंश से सब शक्तियां प्रकट हैं साक्षात प्रेम प्रेम समुद्र का शार मूर्तिमान प्रेम इसीलिए अरुण तल मुपरी गौरम मधुरैर लसित हरेर मनस्ोरम राधा या स्तुति सुंदर चरण सरोजम मनोजपतु मन तू अपनी जिभ्या से राधा राधा जप और हृदय में आश्रय ले ले इन गोरे चरणारविंद का ये कैसे प्राप्त होगा जिभ्या राधा राधा बोले और हृदय राधा चरणारविंद की ठसक में हो हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी देखो हमारी श्यामा जू का बल देखो अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास देखो माई अबला कह बलराज देखो दूर से नहीं आन द्वार के न जानत जब यहां निकुंज द्वार में प्रवेश पाओगे तब ये समझ पाओगे ये महारानी जू वो कृपा करके जनाए क्या महिमा है इसीलिए सर्वात्युत्तम धाम तत् अत्युपरी भात्यानंद साम्राज्य भ्रद वृंदारण मिहयु यही वृंदावन यही ये यह समस्त अत्युत्तम धामों में महान इसके सामने कोई तीर्थ नहीं है तीर्थ राज प्रयाग भी नहीं महामहिम पता नहीं कौन से भाग्य कौन सा सदगुण कौन सी कृपा उदय हुई कि यह सानिध्य मिला है कलिकाल है यहां जरा जरा के प्रलोभन में मृत्यु जीवन को नष्ट थोड़ा प्रलोभन मृत्यु अच्छ रूपे में चंद भोगों में अपने प्राणों को एक बार थोड़ा विवेक से इसकी कीमत समझो जिसको तुम भोगों में नष्ट कर रहे हो यही प्राण समर्पित करने पर सच्चिदानंदमय हो जाओगे महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा तत्प्राण अर्थात मेरे प्राण प्रियालाल को समर्पित तो प्राण क्या हो गए प्रियालाल मैं हो गए स्थिति आती है कान भय गोपीजन कहती कान भय प्राण में प्राण भय कान में ही में न जान पर है कान है कि प्राण है हे भाई ये अत्युत्तम धाम वृंदावन है जहां गोरे चरणारविंद की अद्भुत महिमा अखिल ब्रह्मांडों के समस्त अवतारों के अवतारी प्रभु कुंज बिहारी के चित्त का वो अपहरण किए हुए हैं कृष्ण मनोहारिणी है कृष्ण के मन का अपहरण करती हैं ऐसे वृंदावन धाम में सर्वाशर्य स्थान वृंदावन में प्यारी जू के चरण सर्वाश्चर्य में जुगल जोरी तो तुम अब अपने प्राणों को समर्पित कर दो आपके प्राण तो कहते रहे चंद विषयों में समर्पित हो रहे हैं देख लो ना छोटी छोटी बात में आप अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार क्या कीमत है आपके प्राण की क्या कीमत है एक भोग के लिए एक चंद विषय के लिए फांसी पे लटकने की तैयारी कर लेते हैं क्या तुम्हारे प्राणों की कीमत है हा है भगवान मिल जाएंगे अगर सावधान होकर चलोगे तो प्राणनाथ मिल जाएंगे यह जन्म प्राणनाथ की प्राप्ति के लिए है समझ बहुत खराब हो गई है इसलिए बहुत हल्के में ले लेते हो और विषयों की आकर्षण वृत्ति में अपने जीवन को नष्ट कर दे रहे हो बहुत कीमती है देवता भी तरसते हैं इस मानव देह के लिए क्योंकि इससे साक्षात भगवान की प्राप्ति होती है भगवत स्वरूप हो जाओगे आप क्या करो तत्प्राणात्म महा स्वभाव ललिताद्यानिदेश निदेशे स्थितो अपने प्राणों को समर्पित कर दो श्यामा श्याम को बोले दे दिया अब कैसे समझा जाएगा भगवान भी इस बात के लिए गीता जी में कह रहे हैं मदगत प्राणा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंत रमंत च ये साक्षात भगवान की प्राप्ति का स्वरूप है मत चित्ता भगवान मेरे चित्त वाले बन जाओ चित्त जब प्रभु के शिवा और कोई चिंतन न करे वो कृष्णाकार भगवदाकार वृत्ति होती है। जैसे गोपी जनों की थी मुरारी पादार्पित वृत्ति देखो विक्रेतु कामा खिलगुप कन्या मुरारी पादार्पित वृत्ति अब उनको शुद्ध नहीं कि मैं क्या बोल रही हूं ब्रजवीथियों में कहना चाहती दही ले ले दही निकलता है कोई गोविंद ले ले कोई माधव ले ले दामोदर ले ऐसा विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरार पादार चित्तवृत्ति दध्यादादोच गोविंद दामोदर माधवे बलिहार है सीले बंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणु भीक्षण सा बलिहार है वंदना है इन ब्रज युवतियों की चरण रज की जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को अपने प्रेम के अधीन कर लिया कैसी चित्त की दशा है एक एक व्रति कृष्णाकार भगवान कह रहे हैं। मत चित्ता मेरे चित्त मदगत प्राणा यह कह रहे हैं तत्प्राणात्म महाशुभाव तत्प्राण जिनकी तुम आराधना कर रहे हो ये प्राण उनको समर्पित कर दो तो आप कहेंगे हमने समर्पित कर दिया तो आपके प्राण प्रिया प्रीतम को समर्पित है इसकी पहचान स्वप्न में भी आप अमनिया पानी या भोजन नहीं ले सकते स्वप्न में भी जागृत की बात क्या नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्राण समर्पित है ना प्राणों का पोषण अन्न और जल आदि से होता है वो प्रसाद ही पाएगा जिसका प्राण समर्पित हो चुका है बहुत सूक्ष्मता से बात महापुरुषों में देखी गई एक ब्रजभक्त उसमें प्रसंग आता है दाम हमें स्मरण नहीं है रोज माधुकरी मांगकर शाम के लाते हुए प्रभु को भोग लगाते पता नहीं भगवत चिंतन में कैसे डूबे हुए थे कि सुधी नहीं रही और माधुकरी ऐसे मुख में डाली चार तब याद आई तो उनका अरे तुम तो... जीवन ही बेकार है बिना प्रभु को अर्पित किए कैसे चला गया अब वो बड़े महाभाव में स्थित महा उनका जीना बेकार गला ही ऐसा गला भगवान को अर्पित किए बिना कैसे पा ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहा अब पवा दो तो बोले अब तो जूठा हो गया तो बोले अमनिया कपाते हो ब्रजवासियों का जूठा तो रोज मांग के लाते हो वही तो पवाते हो पवा भाव मदगत प्राण बिना प्रभु को अर्पित किए हुए एक बूंद जल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब ये प्राण प्रसाद से ही तृप्त होंगे किसी और की बात मत सुनो यदि प्रेम प्राप्त करना है तो जो हमारे रसिक महापुरुष जन कहते हैं वो बात माननी होगी और दूसरा प्राण वायु से भी पोषित होते हैं ये जो श्वास चल रही है अब एक भी श्वास नाम के बिना नहीं जानी चाहिए खाली अगर गई तो तुम मदगत प्राणा नहीं हो तुम प्राणात्म नहीं हो प्राण समर्पित नहीं नहीं बिना नाम का बिना स्मरण का कोई भी श्वास कैसे आ जा सकती कैसे व्यर्थ हो गई तद स्मरणेन परम व्याकुल बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ भी खान पान नहीं मान लीजिए मान लोगे तो जान जाओगे और कोई भी श्वास खाली न जाए तो क्या आगे कह रहे महास्वभाव स्वभाव ही नहीं महान स्वभाव प्रकट हो जाएगा क्या ललिताद्याली निदेश स्थितो अली आली अली जो सहचरी जो सहचरिया हैं जिस भाव से प्रिया प्रीतम को दुलार करती है वो महाशुभाव आपके अंदर प्रकट हो जाएगा पहले प्राण समर्पित करो तो प्राणों की क्या कीमत जाने हुई है देख लो ना आप लोग क्या प्राणों की कीमत सब प्राण से प्यार करते हैं लेकिन नहीं नहीं ज्ञान ना होने के कारण ऐसी ऐसी तुच्छ वस्तुओं में तुच्छ बातों में प्राण त्याग देते हैं प्राण त्याग देते एक दूसरे को मार देते हैं छोटी छोटी वस्तुओं में छोटे छोटे भोगों में बुद्धि बहुत मलिन होती चली जा रही है समय बहुत कम है सार्थकता जीवन की हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा जीवन किस में सार्थक होगा कुछ शास्त्र पढ़ लिए थोड़ा शास्त्र की बातें बताने लगे चार लोग प्रणाम करने लगे हम अपनी सार्थकता मान लेते हैं चंद रुपए आ गए तो हम जीवन की सार्थकता मान लेते हैं चार लोग वाह वाह कर दिए तो हम अपने जीवन की सार्थकता मान लेते हैं नहीं भाई भ्रम है एकमात्र मदगत प्राणा और जब मदगत प्राणा हो जाओगे तो प्रभु किसी का कोई है ही नहीं यह अनुभव हो जाएगा किससे वावा ही किससे प्रणाम नमस्कार श्रेष्ठ तनु स्फुर रसमयम चेष्टेत तस्मय नमा तुम्हारे इसी देह में रहते हुए भी तुम्हारे अंदर श्री जी के महामहिम सुख में निमग्न रहने वाला भावदेह प्रकट हो जाएगा कह रहे योनता श्रेष्ठ तनु इस्पुरन स्फुर हो जाएगा भावदेह कैसे सर्वोत्तम महामहिम वृंदावन धाम का आश्रय जू के गोरे चरणार विंद की ठसक रज का सेवन और प्राण प्रिया प्रीतम को समर्पित बड़ी विडंबना है खूब सुनते हैं पर परमार्थ की तरफ चलने का उत्साह ही नहीं बन रहा समझ नहीं पा रहे कैसे हुँ? समझ नहीं पा कितने दिन भोग भोगोगे, कितने दिन धन रहेगा कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा एक काल के द्वारा बिल्कुल घेर लिया गया है शरीर काल कर्म स्वभाव गुण घेरा त्रिगुणात्मिका माया उसी का रचा हुआ स्वभाव उसी के स्वभाव से प्रेरित कर्म और सबका शासन करता काल तुम्हें घेरे हुए तुम स्वतंत्र थोड़ी हो कि तुम भोग लोगे जब जितना चाहो। चाहोत श्रेष्ठ तनुस्फुरन रश्मय चेष्टे तस्मयी नम ऐसी वृत्ति बना लो कि जो भाव देश में प्रवेश पाए हुए रसिक जन हैं उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो अंतर में स्व अभीष्ट स्वरूप भाव देह इष्ट को रिझाने वाला भाव देह चिदानंद में स्मृत हो जाएगा बस निहाल हो गए जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो गए शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था जैसे स्वप्न में बाहरी शरीर पड़ा है उसकी शुद्ध नहीं है आप स्वाप्निक देह में विचरण कर रहे हैं आपको बिल्कुल भान नहीं कि हमारा एक स्थूल शरीर सैया में पड़ा है ठीक ऐसे ही जो भावदेह में होते प्रिया प्रीतम के संग छिन बिहरत -छिन संग छिन छिन निरखत प्रेम भरे स्थूल शरीर की शुद्धि रही चेष्टाएं हो रही यथावत चेष्टाएं सब यथावत हो रही यही भागवतिक शक्ति है पर उस स्वरूप से हर समय प्रिया प्रीतम के समीप रहते हैं पांचों भूले देह शुद्धि जैसे स्वप्न में भाव देश में अपनी भावना में निरंतर निमग्न रहने लगता है धाम वृंदावन का आश्रय रसिको का संग प्रिया प्रीतम को प्राण समर्पित तो अति दुर्लभ पद आशा वाशाए ऐसा ही दुर्घटा में कृत सर्वेन्द्री शत्रु वृंदारण्य किमें भविता ये तो बड़ी दुर्लभ भाषा है देह भाव रहित हो गए भाव देह को प्राप्त हो गए प्राण प्रिया प्रीतम में समर्पित हो गए हे वृंदावन धाम देखो ये हमारी इंद्रिया हमारी बड़ी दुश्मन हो गई हैं ये बार बार हमको भोगों में फंसा रही है बहुत कठिन हो रहा है इनको वापस करना इनको अधीन करना बस अब तो यही ठान लिया है कि मेरी गति आप ही हो अहे वृंदावन आप संभाल दो हे गुरुदेव आप संभाल दो हे प्रियालाल आप संभाल दो ये इंद्रियां, ये मन मेरे वश में नहीं है हम हार चुके हैं इनके गुलाम हो चुके हैं ये जब जैसा चाहते वैसा हमसे करवा लेते हैं आशा तो है कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए पर ये दुश्मन इंद्रिया और मन ये हमें भोगों में आकर्षित किए हे करुणा में प्रभु हे धाम हे नाम आप मुझे संभाल दो प्रार्थना करो हृदय से हृदय हरदे की प्रार्थना भजन संबंधी बहुत जल्दी प्रभु सुनते हैं भगवत भाव की प्रार्थना बहुत जल्दी प्रभु सुनते हैं श्री कागभूषण जी महाराज गरुण जी महाराज को मानस रोगों का परिचय बताया और कहा कि इस मानस रोग को नियम धर्म उत्तम आचरण तपस्या ज्ञान यज्ञ मंत्रानुष्ठान दान और करोड़ों भी साधन औषधियां हैं इनके द्वारा दबाया जा सकता है जड़ से नष्ट नहीं किया जा सकता जो कल मानस रोगों का वर्णन हुआ अगर ये कहीं जड़ से नष्ट होने वाली बात है तो फिर उसके लिए विधान है भगवान की कृपा से सत का वरण कर लेने को मिल जाए सत गुरुदेव जो मार्ग में आरूढ़ जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म के अनुभूत ऐसे सदगुरुदेव का मिलन हो जाए और हम उनको मन वचन कर्म से वरण कर लें अर्थात उनकी आज्ञा पालन करें यह जड़ से मानस रोग नष्ट होने का उपाय है सदगुरु रूपी वैद्य का वरण उनकी आज्ञा वचन उपदेश नाम मंत्र रूपी औषधि का श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवन परहेज शास्त्र के विरुद्ध कोई भी भोग स्वीकार न करना कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण न करना यह परहेज ऐसा करोगे तो ये मानस रोग नष्ट हो जाएंगे जड़ से आप मानस रोग रहित तो हो रहे हैं इसकी पहचान तो जैसे किसी का बुखार या रोग आदि हटता है तो उसकी भूख खुलती है भोजन अच्छा लगने लगता है तो जाने जब आपको किसी भी भोग में भोगने की रुचि न रह जाए तो जान मानस रोग नष्ट हो गए हैं नित्य नवीन प्रभु के नाम जप में लीला गुण श्रवण में गायन में रुचि बढ़ती जाए भोगों में अरुचि हो जाए विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बात अच्छा नहीं लगता जानो आपका मानस रोग ठीक हो रहा है कब सदगुरु रूपी वैद्य उपदेश वचन नाम मंत्र रूपी औषधि और निषिद्ध भोगों का त्याग रूपी परहेज तो ये रोग नष्ट हो जाएगा पहचान रोग नष्ट होने की समीप पे भोग उपस्थित होने पर भी भोगों के भोगने में रुचि ना होना भोगों में सुख बुद्धि ना होना तो मानो आपका मानस रोग ठीक हो रहा है जब मनुष्य निर्मल ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसके हृदय में प्रभु श्रीहरि की प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है जागृत होकर छा जाती है हृदय प्रेम में हो जाता है भगवान शंकर ब्रह्मा जी सुखदेव जी सनकादि नारद जी और भी जो ब्रह्म विचार परायण महर्षि मुनि जन हैं सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा रघुपति भगति बिना सुख नाही हे पक्षी राज गुरुण जी इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाना ही समस्त साधना शास्त्रों का फल है श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं यदि हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो सो सब धर्म कर्म जल जाओ किसी काम के तुम्हारे धर्म कर्म नहीं रहे कभी तुम जो निज सुख है उसका अनुभव नहीं कर पाओगे और निज सुख बिन मन हो थेरा मन तुम्हारा भटकाता हुआ न जाने कितनी योनियों में लोक लोकांतर में तुम्हें दुख देगा बिना प्रभु के चरण कमल में प्रेम हुए सुख का कहीं लवलेश मात्र आपको लोक लोकांतर में कहीं भी भटक लो नहीं मिलेगा ये साफ संतों का ग्रंथों का एक मत है वैसे कछुए की पीठ में बाल नहीं उगते हैं पर कागभूषण जी कह रहे हैं ऐसा हो जाए बांझ के पुत्र नहीं होता है तभी उसे शब्द संबोधन किया जाता है बोले बांझ के पुत्र ने किसी को मार डाला ऐसा भी हो सकता है बांझ तो तभी कहा जाता है जब जिसके पुत्र नहीं आकाश में बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल जाए असंभव फिर भी ऐसा हो सकता है परंतु हरि का भजन जिसने नहीं किया वो किसी भी लोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकता अर्थात ये असंभव संभव हो जाए पर बिना भजन किए तुम्हें सुख नहीं मिल सकता अब सुख चाहते हैं भजन प्रभु इनसे विमुख होकर के बहुत बहुत निकृष्ट बुद्धि हो जाती है मान लीजिए कोई भी हो कहीं भी हो बिना नाम जब के मन बुद्धि पर कौन शासन करे इतने नीच हरकत करते हैं जब कभी जैसे कोई ऐसी चर्चा करता है तो हृदय जल जाता है कि क्या स्थिति हो रही बुद्धि मन को शासन में लेने के लिए भजन अनिवार्य है नहीं नष्ट कर देगा ऐसे पापाचरण करा देगा भटकते रहोगे कहीं शांति नहीं मिलेगी कैसे समझ ठीक नहीं क्या होगा नाम जब से देखो तो जब के देखो नाम जब नहीं कह रहे इसीलिए तुम्हारी दुर्दशा हो रही धिक्कार है ऐसे जीवन को जब ऐसी बातें सुने ना लगता है कहां जा रही बुद्धि कहां जा रही अरे एक क्षण के लिए ऐसा ऐसा अपराध ऐसा नृशंस अपराध जो तुम्हें कई जन्मों तक भी सड़ाएगा देख लेना और वो किसी एक की बात नहीं है जब हमारे मन बुद्धि में ईश्वर का भय नहीं शास्त्र का भय नहीं तो फिर शासन कौन करे धर्मात्मा पुरुष को धर्म का भय होता है धर्म के विरुद्ध आचरण न बन जाए नहीं भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण न बन जाए जब मानोगे ही नहीं तो फिर राक्षसी वृत्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है फिर जो दुर्गति होती बाद में देखते अरे वो बेचारा वो बेचारा नहीं वो इसी लायक है आज जब वो तुम्हें सीधा साधा दिखाई दे रहा फिर दंड मिलता है कल का तब लगता है भगवान कितना कठोर है और उसकी कठोरता जब देखते उस आचरण की तब तुम्हें पता चलता तो चूंकि माया का पर्दा ऐसा लगा रहता है कि भूत की बात दिखाई नहीं देती कि जो भूत में उसने कर्म किया उसका जो परिणाम आया है परिणाम जब दिखाई देता है तब तो वो कहते भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान सर्वज्ञ हैं कहीं एक सेकेंड के लिए भी किसी दूसरे की साक्षी की जरूरत नहीं है वो सबके हृदय में बैठे हुए बात आने के पहले देखते हैं उनको निर्णय करने के लिए वकील या किसी की जरूरत नहीं साक्षी की कि अमुक अमुक पॉइंट है कि ये दोषी है नहीं। वो सर्व साक्षी देख रहा है डरो इस बात से जरूरी है जरूरी है नाम जप करना नहीं जप करोगे तो दुष्ट मंत्र में ऐसी जगह फंसा देगा सच्ची माने पूरे जीवन की की हुई प्रयास उन्नति की सब बातें नष्ट कर दे एक क्षण में नष्ट कर देता धिकार है मन को जो भगवान से विमुख है विश्वसनीय नहीं है जब इसकी हरकतें देखो ना संसार में तो लगता है कैसे कैसे समझ नहीं पा रहे ये समझ नहीं पा रहे कि एक क्षण में हमारी ये दुर्गति करवा देगा बचा सकता है तो नाम इसलिए कहते जैसे भी हो जहां भी हो राधा 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 तो देखो जलन शुरू हो जाएगी अब हो गया शासन मन पे जलने लगा जबकि देखो जलम शुरू हो जाएगी गंदगी अंदर की निकलने लगेगी आपको दिखाई देगा कितनी गंदी बातें भरी थी जो निकल रही हैं, नाम नहीं तो पशुता राक्षसी वृत्ति कैसे कैसे आचरण श्री हरि से विमुख होकर के जीव कोई भी उपाय ले कभी भी सुखी नहीं हो सकता प्यासा मृग रेणु में बालू में जल का भाव करके दौड़ता रहता है कह रहे भले उसकी प्यास बुझ जाए वहां खरगोश के सींग नहीं होते भले खरगोश के सींग निकले आवे अंधकार सूर्य के सामने टिकता नहीं तो अंधकार भले सूर्य को ढक दे परंतु भगवान से विमुख होकर जीव कभी कहीं भी सुख नहीं पा सकता ऐसा असंभव संभव हो जाए बिना भगवान के भजन के कहीं सुख नहीं मिल सकता बर्फ से आग पैदा हो जाए अनहोनी बातें चाहे हो जाए पर भगवान से विमुख कभी कोई सुख नहीं पा सकता बार मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल मसकही करही बिर ची प्रभु अजही मसकते अस अश विचारी तज ही, ही, ही प्रवीण जल के मंथन से भले गीत पन्न हो जाए बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे असंभव पर ऐसा हो सकता है पर बिना हरि के भजन के तुम इस महान दुख से जो भव समुद्र है इससे कदापि पार नहीं हो सकते अटल सिद्धांत है प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जो भजन करते हैं वही सुखी हो जाते हैं विनिश्चितम बदाम हरिम नजंती दुस्तर तर हे गरुण जी महाराज मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते काकभूषण जी कहते जो प्रभु श्रीहरि का भजन करते हैं वही दुस्तर दुख में संसार समुद्र से पार हो जाते हैं अन्यथा और कोई उपाय कर लो नहीं हे नाथ भगवान ने मुझे जितनी बुद्धि दी है उसके अनुसार कहीं संक्षेप कहीं विस्तार से उनकी महिमा गाई हे सर्पों के शत्रु गुरुण जी श्रुतियों का सिद्धांत है कि सब वासनाओं को भूल करके अपनी चित्रवृत्ति प्रभु के नाम चिंतन में प्रभु के भजन में लगा देना चाहिए प्रभु श्री हरि को छोड़ करके किसका भजन किया जाए देखो अपने जैसे मूर्खों पर भी प्रभु का कितना दुलार है नाथ आप तो विज्ञान स्वरूप है आपको मोह नहीं ये तो हम पर कृपा करने के लिए प्रभु ने आपको भेजा का घूषण आपने मुझसे सुखदेव जी सनकादि शिवादि को प्री लगने वाली जो भगवत कथा पूछी उसकी जो परस्पर चर्चा हुई ये अगर एक घड़ी भर भी हो जाए 24 मिनट या एक पल भर भी हो जाए एक बार भी यदि सत्संग मिल जाए तो अपने को कृतार्थ समझना चाहिए सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक बारह अगर पल भर के लिए मिल जाए एक घड़ी चौबीस मिनट के लिए मिल जाए एक बार सत्संग सुनने को मिल जाए और उसे मनन करके आचरण में उतार ले तो संसार से पार होने की बात हो जाए कोई भी एक सत्संग एक सत्संग आपका कल्याण कर सकता है एक सत्संग आप उसको सुनिए सारा सिद्धांत मिले कोई ऐसा सत्संग नहीं जिसमें एक सत्संग में जीव का परम कल्याण ना हो जाए गरुण जी आप जरा विचार करके देखिए क्या मैं भजन का अधिकारी हूं पक्षियों में सबसे नीच और अपवित्र कौआ परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पावन करने वाला बना दिया आजु धन्य मैं धन्य जद्यपि यद्यपि शब निज जन जान मोहि संत समुदीन गरुण जी मैं धन्य हो गया धन्य हो गया यद्यपि तो मैं नीच हूं पर आज मैं कह रहा हूं धन्य प्रभु ने मुझे अपना निज जन जाना इसीलिए मुझे संत समागम दिया आप जैसे महापुरुष के साथ भगवत वार्ता करने का सौभाग्य दिया हे नाथ मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितना प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है मैं कुछ छिपा नहीं रखा आपसे सब वर्णन किया भगवान के चरित्र समुद्र हैं भला कोई था पा सकता है क्या हे नाथ कागवून्य जी गरुण जी से कहते हैं जब जब भगवान के गुणों का सुमिरन चिंतन मनन हृदय में एक अद्भुत आनंद होता है हर बार लगता है कि नवीन है मैंने ऐसा पहले कभी रूप नहीं देखा मैंने ऐसे पहले कभी महिमा नहीं सुनी मुझे ऐसा आनंद कभी नहीं हुआ ऐसा ही भजन में होता है वेदों ने जिसको नेति नेति कह करके गाया है वो प्रभु की सामर्थ्य प्रभुत्व महिमा कौन गा करके पार पा सकता है जिन प्रभु के श्री चरण भगवान शंकर ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय है उनकी मुझ पर कृपा हुई परम कोमल स्वभाव मेरे प्रभु श्री हरि का है ऐसा स्वभाव न कहीं देखा न कहीं सुना प्रभु के समान केवल प्रभु ही हैं दूसरा कोई नहीं है साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के रहस्य ज्ञान सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी धर्मपरायण पंडित विज्ञानी कोई भी हो तरही बिनु से मम स्वामी राम न नमामी नमामि शरण गए मोशे अघरासी हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी कोई भी हो जब तक मेरे प्रभु का भजन नहीं करेगा तब तक इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता कोई भी हो मैं अपने प्रभु के चरणों को बार बार नमन करता हूं जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि की भी पाप रहित बुद्धि हो गई उन अविनाशी भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग को नष्ट करने के लिए समर्थ औषधि है जा सुनाम भव भेद सज हर त्रैशूल सो कृपालु मोहित तो पर सदा रहो अनुकूल हे गरुण जी जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग के लिए अचूक औषधि है तीनों भयंकर पीड़ाओं को आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं वो कृपालु हम पर भी कृपा करें और आप पर भी प्रसन्न रहे मनु कागव शून्य जी गरुण जी को आशीर्वाद देते हैं जिनका नाम तीनों लोगों के तारने की सामर्थ्य रखता है तीनों तापों के मिटाने की सामर्थ्य रखता है वो भगवान हम पर कृपा करें आप पर प्रसन्न रहें, अनुकूल रहें आपके कागव जी के वचन सुनकर के गरुण जी अतिशय प्रेम विकल हो गए और बोले मैं कृत क्रित कृत्य भयं तव बा सुनी रघुबीर भक्ति रस सानी राम चरण नूतन रति भई माया जनित विपति सब गई आह आपकी वाणी सुनकर हे कागभूषुण जी मैं कृतकृत्य हो गया भगवान के चरणों में नवीन नवीन प्रेम बढ़ रहा है माया से उत्पन्न हुई सारी विपत्ति नष्ट हो गई मैं तो मोह रूपी समुद्र में डूब रहा था आप जहाज बन गए कागव जी आप जहाज बन गए आपने मुझे परम सुखी कर दिया मैं इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता बस आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूं ऐसा गरुड़ जी ने कहा आप पूर्ण काम है भगवान के प्रेमी जन है आपके समान कौन बड़ भागी है भला हम आपको क्या दे सकते हैं संत वृक्ष नदी पर्वत पृथ्वी इनका अवतार ही दूसरों के परम हित के लिए हुआ है संतों का हृदय मक्खन के समान होता है पर कवियों ने कहना नहीं जाना क्योंकि मक्खन में दोष है उसमें जब ताप लगता है तब पिघलता है पर संत तो दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो जाते हैं मेरा जीवन सफल हो गया आपका दर्शन हुआ आपकी वाणी सुनने को मिली सारे संदेह चले गए मुझे सदा अपना दास जानिएगा गरुण जी कह रहे कागोशून्य जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं सदा अपना सेवक जानिएगा भगवान श्री कहते हैं हे उमा बार बार प्रणाम करके भगवान के वाहन गरुण जी दो कदम पीछे हटते फिर आके कागू जी के चरणों में प्रणाम करते हैं फिर प्रेम विवश हो जाते हैं बार बार प्रणाम करके धीर बुद्धि गरुण जी जिनके पंखों से शाम वेद की रिचाए प्रकट होती रहती स्तुति प्रकट होती रहती वो भगवान श्री नारायण के धाम को गए गिरिजा संत समागम समनलाभुकुआ बिनु हरि कृपा न हो सो गा वही वेद पुराण हे उमा संत समागम अगर मिल गया तो इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई लाभ नहीं है भगवान शंकर कह रहे संत समागम मिल गया इससे बड़ा कोई लाभ नहीं पर यह संत समागम बिना हरि की कृपा के मिलता भी नहीं है वेद पुराण शागान करते हैं कि जिन पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है उन्हें ही संत समागम प्राप्त होता है उन्हें ही रुचकर लगता है मैंने पवित्र इतिहास जिसे श्रवणों से सुनते ही संसार बंधन छूट जाता है शरणागतों को कल वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदान करने वाले दया के समूह प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाता है जो कान और मन लगाकर भगवान की कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तीर्थ आदि साधना योग वैराग्य ज्ञान में निपुणता अनेक प्रकार के कर्म धर्म व्रत दान अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ प्राणियों पर दया ब्राह्मण गुरुजनों की सेवा विद्या विनय विवेक बड़ाई आदि ये जहां तक सब साधनाएं बताई गई हैं हे भवानी उन सब का फल है श्री हरि के चरणों में भक्ति हो जाना जहां लग साधन वेद बखानी सब कर फल भक्ति भवानी श्रुतियों में गाई हुई भगवान की जो भक्ति है वो भगवान की कृपा से कोई बिरला ही पा पाता है जो मनुष्य विश्वास करके नित्य भगवान की चर्चा सुनता रहता है उसको और कोई साधन नहीं करना पड़ता बिना श्रम के ही ये भक्ति प्राप्त हो जाती है जिसका मन प्रभु में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ है वही गुणी है वही ज्ञानी है वही विशाल पंडित है वही दानी है वही धर्म परायण है वही कुल को पावन करने वाला है जिसका मन भगवान नाम जप में लगा है भक्ति परायण है वही नीत निपुण है जो छल छोड़कर भगवान का भजन करता है वही परम बुद्धिमान वही वेदों के सिद्धांत को भली भांति जानने वाला विद्वान है वही सूरवीर योद्धा है जो मन को मार करके निरंतर भजन पारायण रहता है वो देश धन्य है जहां ऐसे भगत होते हैं जहां परम पावन गंगा जी प्रवाहित होती है धन्य है वो देश भगवान का साक्षात चरणामृत है गंगा जी बड़ी महिमा है सौ कोस दूर से भी गंगा 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 ऐसा स्मरण करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं गंगा गंगा योग गुरु आती योजना नाम नाम रपी अगर सौ कोस से भी दूर देखो भगवान का नाम भगवान की चरण रज किसी भी तरह कहीं भी भगवान से जुड़ जाओ कहीं भी भगवान का भक्त कहीं भगवान की लीला कथा कहीं धाम चरणामृत प्रसाद कहीं भी जुड़ जाओ वो तुम्हें घसीट लेगा बड़ी सामर्थ्य सच्ची बात आप जुड़ो तो प्राय हम छोड़ने के लिए भयभीत हो जाते हैं हम कहते हैं मत छोड़ो पकड़ो तो सत को पकड़ो असत अपने आप छूट जाएगा इसमें पावर है नाम पकड़ो धाम पकड़ो भगवान के चरणामृत का पान करो रज लगाओ ऐसी सामर्थ्य है कि ये सब ग्रणित भोग छूट जाएंगे वो धन्य है धन जिसकी उत्तम गति होती है शोधन धन्य प्रथम गति जाकी प्रथम गति क्या है भगवान के सेवा में लगना भगवान के भक्तों की सेवा में लगना और किसी भी दूसरे की सेवा में बिना स्वार्थ के लगा देना वो धन परम धन्य हो गया वो समय धन्य है जब भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है जिसके हृदय में अखंड भक्ति है वो जीवन धन्य है सो धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनीत श्री रघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत हे उमा वो संसार के लिए पूजनी कुल हो जाता है जिस कुल में एक भक्त का जन्म हो जाता है इक्कीस पीढ़ियां तो तरती हैं वो कुल जगत बंदनी हो जाता है परम पवित्र करने वाला वो कुल हो जाता है जिसमें भगवान का अनन्य दैन्य भक्त प्रकट होता है मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही यद्यप पहले इसको छिपा कर रखा था पर तुम्हारे मन में प्रेम अधिक देख करके श्री भगवान की चर्चा तुम्हें सुनाई ये कथा ऐसे लोगों को नहीं सुनानी चाहिए जो सठ हो धूर्त जो दोषारोपण करने में ऐसा क्यों किया भगवान ने भी तो ऐसा किया तुम भगवान को जानते हो कौन है भगवान ने ऐसा किया भगवान ने ऐसा किया बुद्धि बहुत छोटी है तुम नहीं जान पा रहे हैं। जो धूर्त हैं वो दोषारोपण करते हैं जो हाठी स्वभाव के अपनी बात के आगे किसी की बात नहीं मानते जो लोभी हैं क्रोधी हैं कामी हैं प्रभु का भजन नहीं करते प्रभु की निंदा करते भक्तों की निंदा करते ऐसे लोगों से भगवत चर्चा नहीं करनी चाहिए मौन रहना उचित है क्योंकि क्यों वो क्यों क्यों कट बोलेंगे हृदय जलेगा और उनके ऊपर कुछ असर नहीं होगा ऊसर बरसई तरण नहीं जामा सठ करें, भली पाई सुसंगू न मलिन स्वभाव वो अपने स्वभाव में रहते तुम कितना भी समझा लो जो भक्त द्रोही है वो चाहे देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो तो किसी भी भय प्रलोभन से उसे भगवत चर्चा नहीं करनी चाहिए भगवान की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको जन प्राण प्रिय लगते हैं सत्संगत जिनको प्राण प्रिय लगती है कलयुग के पापों का मन के मल का नाश करके बिना परिश्रम भगवान के धाम में पहुंचा देना ये भगवान की कथा की महिमा है बिना किसी अन्य साधन के भगवत चर्चा करते रहो सुनते रहो तो ये मन के मलिनता को और समस्त पापों को नष्ट करके परम धाम भगवान के धाम पहुंचा देती है जो भगवान की लीला संबंधी कुछ पद कुछ चौपाइया कुछ दोहे याद कर ले बार बार उनको गुनगुनाए तो सारे क्लेश अविद्याजनित नष्ट हो जाते हैं परम सुंदर सुजान कृपा निधान भगवान अपने शरणागतों पर बहुत प्रेम करते हैं ऐसे प्रभु हमारे स्वामी हैं बिना किसी कारण के कृपा करने वाले हैं अकारण कृपालु निष्काम निस्वार्थित करने वाले देखो ना जाकी कृपा लव लेसते मति मंद तुलसीदास हूं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहू মো সম দীন দীনহিতম সঘুবী আশবিচারি রঘুবংমণি হরহু বিষম ভি কামিহী নারী পিয়ারি জিমি प्रिय जिमिदाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रियला गहू मोहिरा जिनका लेश मात्र कृपा प्रभाव हुआ श्री तुलसीदास जी कहते हैं मुझ मंद बुद्धि को भी परम शांति परम विश्राम मिल गया मेरे प्रभु के समान कहां कोई ऐसा हो सकता है हे प्रभु मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं ऐसा विचार कर हे नाथ मेरे जन्म मरण के भयानक दुख को हरण कर लीजिए प्रभु जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है लोभी को धन प्यारा लगता है वैसे हे नाथ आप निरंतर मुझे प्रिय लगे यूर्व प्रभुणाकृत कृतम विना श्री शंभुना दुर्गम श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनुष्य प्राप्तु रायणम मत्वा मद्रघुनाथनामर श्वास्तम शाते भाषाबद्धमदी दास मानसम पुण्यम पापरम सदा शिवक विज्ञान भक्ति मायामोहमलापहं सुमलम् प्रेमाम्बपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दैहन्ति नो मानवाः की